आयोजक हैं पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18। इस खबर के प्रायोजक हैं वसीम अहमद सिद्दीकी, भावी उम्मीदवार, ग्राम प्रधान सराय छबीला। हम सब ने ठाना है गांव को स्मार्ट बनाना है, ग्राम सुनेहरा से। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मुशर्रत, पत्नी मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रधान सुनेहरा से। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीराबाद में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैंप के नीचे अतिरिक्त जगह को उपयोग में लाए जाने हेतु रोगी कल्याण समिति फंड से 4 कमरों का निर्माण कार्य कराया गया, जिसको स्टोर रूम आदि के रूप में प्रयोग किया जा रखा गया। आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने नवनिर्मित कमरों का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही MOIC एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशासन द्वारा सहयोग दिया जाएगा। क्रिटिकल गैप से आगे भी आवश्यकता अनुसार कार्य कराए जाएंगे। जनपद के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इसी प्रकार से व्यवस्था करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। उन्हें दवा स्टोर रूम एवं कोविड वैक्सीनेशन रूम का भी निरीक्षण करते हुए आवश्यक जानकारी हासिल की। इस अवसर पर CMO डॉक्टर भक्तोष शंकरधर, उप जिलाधिकारी अनूप शहर पदम सिंह, CEO अनूप शहर, MOIC सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।